तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग इसी तरह अच्छे बने रहिए। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यूनिटी एड्स से कितना पैसा कमाया और मैंने क्या क्या फॉलो किया कि मेरे यूनिटी एड्स में इतने पैसे मैंने कमा पाए। ठीक है, तो स्टार्ट तो काफ़ी मेरी टफ थी, क्योंकि मैंने 2 ईयर्स पहले इसको ज्वाइन किया हुआ था। मैंने सुना हुआ था एड नेटवर्क में अर्निंग होता है, पर कैसे होता है मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पर भी सर्च करता था तो मुझे उतने ज़्यादा वीडियोस देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि एडमॉब उस समय काफ़ी ट्रेंड चलता था। ठीक है, यूनिटी उतना पॉपुलर नहीं था, वो अब हुआ है, 1 ईयर पहले ज़्यादा पॉपुलर हुआ है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं यूनिटी पे वर्क करना चाहता था, क्योंकि एडमॉब पे मैंने वर्क किया लेकिन मेरा अकाउंट सस्पेंड हो रहा था। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया यूनिटी एड्स पे वर्क करना। तो यूनिटी एड्स पे जब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। मैंने लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्ट किए हुए थे इस एप्लीकेशन को बनवाने के लिए। मैंने 1-2 एप्लीकेशन नहीं, कम से कम 30-40 एप्लीकेशन बनाए थे। और मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि मेरे वो 30-40 जो एप्लीकेशन के जो अकाउंट थे वो सब मेरे बैन हो गए थे। ठीक है, तो उस समय कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, और मेन रीज़न ये भी था कि मैं बिल्कुल नया था वहाँ उस फील्ड में। ठीक है, तो मेरे एक दोस्त भी काम किया करते थे वहाँ पे, तो मैं सोचता था कि उनसे पूछूँ। ठीक है, लेकिन मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। उन्होंने भी मुझे बताया था कि हाँ, यूनिटी एड्स पे तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होता है, पर कैसे होता है ये कोई नहीं बताता था। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि उस समय मुझे यूनिटी के बारे में उतना तो मालूम नहीं था, जैसे कि फिल रेट क्या होता है, ECPM क्या होता है, फिर से CTR मेंटेन कैसे करना है, CPM क्या होता है, CPC क्या होता है। ठीक है, मुझे इतना इसके बारे में नहीं मालूम था, मैं एड नेटवर्क में बिल्कुल नया था। तो स्टार्टिंग डेज में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन मेरा पहला पेमेंट आया था काफ़ी मेहनत करने के बाद, $127 का। ठीक है, वो लगभग शायद अप्रैल के महीने में आया हुआ था, मुझे उतना याद नहीं है अभी, लेकिन $127 का पेमेंट आया हुआ था। ठीक है, तो मुझे इतना मालूम है कि मेरा पेमेंट कितना का है, लेकिन किस महीने में आया था मुझे उतना डिटेल में नहीं मालूम है। ठीक है, शायद अप्रैल में आया था। ठीक, तो जब मेरा पहला पेमेंट आया तो वही लगभग मेरा 8,000 करीब कुछ बन रहा था। तो मैंने सोचा कि उससे कुछ और एप्लीकेशन परचेस किया जाए, ताकि और मेरा अर्निंग हो। ठीक है, तो फिर मैंने उसी पैसे को काफ़ी मतलब एप्लीकेशन में इन्वेस्ट किया, और वहाँ पे मैंने उससे भी अर्निंग की। ठीक है, और इसमें चीज़ आपको मेन चीज़ याद रखना है एड नेटवर्क में, कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, स्टार्टिंग जब भी आप कीजिएगा तो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप उसमें एक्सपीरियंस गेन कर लीजिएगा तो आप उसमें से आराम से पैसा कमाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आपने 50 रुपये 100 रुपये का एप्लीकेशन बनवाया हुआ है तो उसमें आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बैन लग जा रहा है तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको उसमें से मेहनत करते रहना है। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप छोटा ही एप्लीकेशन बनवाइए। ठीक है, तो फिर एड नेटवर्क ने मुझे इतना तो सिखाया दिया कि जब भी स्टार्टिंग करता हूँ या फिर स्टार्टिंग कोई भी करते हैं तो काफ़ी टफ होता है। ठीक है, लेकिन उसमें जैसे ही फिर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो काफ़ी आपका अच्छा से अर्निंग होने लगता है। ठीक है, तो पहले एक और चीज़ था कि वहाँ पे कोई डेवलपर नहीं थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे आ गए हैं। कोई ऐसे हैं कि बस पैसा ले लेते हैं लेकिन वो ऐप देते नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भी एक नंबर दिया हुआ है डेवलपर का, आप उनसे भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ही पेमेंट उनके वजह से ही आया हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा वो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वह भी काफ़ी चीप प्राइस में। ठीक है, तो आप उनसे जाके बात कीजिएगा तो उनका बिहेवियर भी कितना अच्छा है आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको एप्लीकेशन मिल भी जाएगा। ठीक है, वो भी चीप प्राइस में, मैंने कि आपको चीप प्राइस में काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैंने डेवलपर का नंबर दे दिया है नीचे, और आप उस पर जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी वहाँ से अर्निंग की, स्टार्टिंग मेरा वहीं से हुआ था। ठीक है, तो ये थी मेरी एड नेटवर्क से जुड़ी हुई एक कहानी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि काफ़ी टफ था स्टार्टिंग, लेकिन फिर बाद में जब मैंने एप्लीकेशन बनवाया तो काफ़ी मतलब अच्छा अर्निंग हुआ। ठीक है, तो आप भी जाके उनसे एप्लीकेशन बनवाइए और काफ़ी ज़्यादा आपका भी अर्निंग होगा। ठीक है, अगर आप फॉलो करेंगे रूल को तो आपका बिल्कुल गारंटीड अर्निंग होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेगुलर वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे और आप उसको प्लीज़ देखते रहिए और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में। बाय बाय।